मीठे में हम सभी को गुलाब जामुन खाना तो बहुत ही पसंद होता है, तो आज बनाते हैं हम बहुत ही टेस्टी सूजी के गुलाब जामुन। तो चलिए इसकी रेसिपी हम शुरू करते हैं। सूजी रसगुल्ला बनाने के लिए हम सबसे पहले 2 कप दूध लेंगे। तो हमने 2 कप दूध को अच्छी तरीके से बॉइल्ड कर लिए हैं और 2 कप दूध में हम 1 कप सूजी डालेंगे। 1 कप सूजी को हम 3 बार में डालेंगे और दूध और सूजी को अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे और सूजी को हम डालते जाएंगे। तो हमने 3 बार में सूजी को डाले हैं और अच्छे से हम मिक्स करते गए हैं सूजी और दूध को। सूजी और दूध को हम करीब 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू स्लो फ्लेम में मिक्स करते हुए इसे ड्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट तक मिक्स करते हुए हमने इसे पका लिए हैं और ये लीजिए बहुत ही बढ़िया से सूजी हमारा ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसे 1 प्लेट में निकाल लेंगे और सूजी को हम ठंडा कर लेंगे। तब तक हम शीरा तैयार करेंगे। तो हमने कढ़ाई में 2 कप चीनी लिए हैं। 2 कप चीनी में हम 3 कप पानी डालेंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी 2.5 कप ले सकते हैं और इसे हम करीब 6 से 7 मिनट तक मीडियम टू स्लो फ्लेम में मिक्स करते हुए पकाएंगे। शीरा को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, करीब 6 से 7 मिनट तक हल्का चिपचिपा होने तक हम इसे पकाएंगे। शीरा हमारा करीब रिफाइंड ऑयल जितना चिपचिपा होता है उतना ही हमें इसे पकाना है। तो ये लीजिए हमारा शीरा बनकर तैयार है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और अब हम रसगुल्ले बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। सूजी को हमने ठंडे कर लिए, हल्का गर्म होना चाहिए और इसे हम अच्छी तरीके से मसल लेंगे। अच्छी तरीके से हाथों से हम इसे जितने ही बढ़िया से इसे मसलेंगे उतना ही बढ़िया हमारा रसगुल्ला बनकर तैयार होगा। तो हम इसे अच्छे से मसल कर तैयार कर लिए। अब हम छोटे छोटे बॉल की तरह इसे बना लेंगे। शेप आपको छोटा या बड़ा जैसा भी आपको पसंद हो आप अपने अनुसार इसका शेप दे सकते हैं। हमने इसे मीडियम साइज का बनाकर तैयार किए हैं और इसी तरीके से हम सारे रसगुल्ले को बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपके रसगुल्ले बनाते वक्त फट रहे हो सूजी के तो आप सूजी में हल्का सा दूध डालकर दोबारा से इसे मसलें, हाथों में हल्का सा घी लगा लें और फिर बनाएं तो आपके रसगुल्ले नहीं फटेंगे, बहुत ही परफेक्ट चिकना रसगुल्ला बनकर तैयार होंगे। तो इसी तरीके से हमने सारे रसगुल्ले को बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो गैस में हमने एक पैन को गर्म कर लिए हैं और इसमें हम ऑयल डालकर भी इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे और ध्यान रहे ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए और गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे और एक एक करके हम सारे रसगुल्ले को डालेंगे। और हमने सारे रसगुल्ले को ऑयल में डाल दिए हैं और इसे हम करीब 8 से 10 मिनट तक स्लो फ्लेम में फ्राई करेंगे और ऊपर से हम ऑयल गर्म ऑयल को डालते जाएंगे रसगुल्ले में। और एक तरफ हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा रसगुल्ला तो हम इसे हल्के हाथों से पलटते जाएंगे और इसी तरीके से रसगुल्ला हमारा गोल्डन ब्राउन होता जाएगा यानी सुनहरा होता जाएगा। हम इसे हल्के हाथों से पलटते जाएंगे दोनों तरफ और हम अच्छी तरीके से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक 8 से 10 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए हमारा करीब करीब सुनहरा यानी गोल्डन ब्राउन हो चुका है रसगुल्ला। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और रसगुल्ले को निकाल कर हल्का गुनगुना शीरा में हम इसे डालेंगे। शीरा हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए लेकिन हल्का गुनगुना शीरा होना चाहिए और सारे रसगुल्ले को फ्राई किए हुए रसगुल्ले को हम निकाल कर शीरा में डाल देंगे। और ये लीजिए बहुत ही टेस्टी रसगुल्ला हमारा सूजी का बनकर तैयार है। तो इसे आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे और आधे घंटे बाद हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो
हमने इसे एक कटोरी में निकाल लिए हैं और ये लीजिए बहुत ही रस भरा स्पंजी सा सूजी का रसगुल्ला हमारा बनकर तैयार है। तो इसे बनाना बहुत ही आसान इजी है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर आप इस तरीके से सूजी का रसगुल्ले बने आते हैं तो मावा या मिल्क पाउडर का रसगुल्ला बनाना आप भूल जाएंगे। रेसिपी पसंद है लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।